हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। एसएससी ईआर रीजन की कुछ और पोस्ट का आज 16 सितंबर का अपडेट जो है वो मिला है। पोस्ट कोड है ER11720, जिसका नाम था टेक्निकल ऑफिसर। अच्छा, यहाँ पे देखो जरूरी क्वालिफिकेशन जो थी गाइज वो थी बैचलर ऑफ साइंस और अ 3 इयर्स डिप्लोमा इन जूट टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियर और टेक्सटाइल इंजीनियर और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। ये मतलब चार पांच जो डिग्रियां हैं इनका आपको पास टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, क्रूशियल डेट जो है 1/1/20 थी। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जहां पर क्लियरली मेंशन नहीं है SC ST OBC EWS PWD के लिए, उसके लिए ये 20 मार्च कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आगे दिया है कि जो लोग नीचे जो लिस्ट यहाँ पे दी है, अगर उसमें इन एलिजिबल हैं और वो अपना किसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्शन है, इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं। 26 सितंबर जो है लास्ट डेट होगी, 10 दिन का टाइम है। उस मेल में आपको अपना रोल नंबर, अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट कोड कौन सी है और जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसके वजह से आपको मतलब इन एलिजिबल बताया है वो आप भेज सकते हैं, या फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको सिर्फ वही भेजना है, मतलब जो आप सबसे बेटर है कि जिस चीज के लिए आपको प्रॉब्लम बताई है वो आप करिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो जरा कुछ कैंडिडेट्स जिनको यहाँ पे एलिजिबल या फिर नॉट एलिजिबल बताया है, कुछ को रिजेक्ट ही कर दिया है, हार्ड कॉपी नहीं हुई थी। तो ज्यादातर है इनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी, वही मिल रहा है। कुछ लोगों ने हार्ड कॉपी नहीं भेजी, जैसे यहाँ पे कुछ ये हैं रूपम सेन हैं, इन्होंने बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो लेस देन 2 इयर्स एक्सपीरियंस जो है। अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस का बनता है, कोई दूसरा सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ इनको भेज सकते हैं। बाकी देखिए जरा 40 कैंडिडेट्स को यहाँ पे इन्होंने मतलब रिजेक्ट और एलिजिबल बताया है। पूरा सबकी लिस्ट है, इनके पास लेस एक्सपीरियंस था, तो ऐसी चीजें देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी पोस्ट कोड जो है हमारी वो है 12120। ठीक है, जिसका नाम था लाइब्रेरी क्लर्क बाइंडिंग। लाइब्रेरी है तो फिलहाल यहाँ पे देखो मैट्रिकुलेशन मांगा था, सर्टिफिकेट मांगा था लाइब्रेरी साइंस में, तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था बाइंडिंग वर्क में। ठीक है, रजिस्टर्ड कमर्शियल फर्म से। और यहाँ पे जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी इन्होंने वही चीज मेंशन करी है यहाँ पे, और वही भाई 26 लास्ट डेट है, ये मेल आईडी है, इस पे आप अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये है रिजेक्टेड और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। लगभग सभी लोग जो है रिजेक्टेड और नॉट एलिजिबल हैं इसमें, मे बी एलिजिबल कैंडिडेट को इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आपका नाम है तो एलिजिबल कैंडिडेट भी हैं इसमें, अगर आपका नाम है तो गाइज अपने मतलब लीडर्स के सामने रिमार्क्स देख लीजिए क्या रिमार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स करना, मैं इसको रीड करके आपको एक बार और थोड़ा बताने की हेल्प करूंगा। ठीक है, और जो भी होगा बहुत मतलब बेटर तरीके से जो हेल्प बनेगी वो मैं आपके लिए जरूर करूंगा। फिलहाल 107 कैंडिडेट्स थे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट कैटेगरी है हमारी यहाँ पर 12320। 12320 के लिए ये जो है हमारा रिजल्ट आज आया है स्कूटनी का, जिसका नाम था ऑफिस अटेंडेंट, मतलब MTS की पोस्ट थी ये। ठीक है, तो वो 11 पोस्ट थी। अब यहाँ पे देखो जरा जरूरी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन था, इसमें कुछ एक्सपीरियंस का ऐसा कुछ है नहीं, बस वही चीज है आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन स्टेट पर कंप्लीट हो। जो लोग नॉट एलिजिबल हैं के लिए भाई अभी मैं आपको बताता हूँ, 26 सितंबर तक आप अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। सेम वही तरीका है, ईआर रीजन वाले एक चीज अच्छी कर रहे हैं कि भाई वो डॉक्यूमेंट साथ में मांग रहे हैं, जो आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट की वजह से इनको रखा है प्रोविजनल में, तो ये कह रहे हैं कि इनका जो EWS सर्टिफिकेट था वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं किया था। जो नोटिफिकेशन में आपको बताया था कि ये जो मतलब आपकी जो सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इशू किए जाने चाहिए, ये बताया है नोटिफिकेशन में। तो अगर आप
वहां पढ़ लें इसको, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है, ये बेटर आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है, ये बहुत इशू आ रहा है कि सर्टिफिकेट जो है क्लोजिंग डेट के बाद इशू किया है, भाई अब इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बैक डेट में अब बन नहीं सकता, तो हम इनको भेज ही नहीं सकते, तो प्रोविजनल इन्होंने डाला। अब प्रोविजनल का मतलब यही है कि अगर, मैं तो यही समझता हूँ कि अगर इनको कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो ये इन लोगों को कंसीडर कर सकते हैं, बाकी फिर इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। मैं बहुत पॉसिबली ट्राई किया और जो लोग एलिजिबल हैं गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन। ज़्यादातर प्रोविजनल जो है कैंडिडेट्स को इस तरीके से OBC या फिर EWS को लेकर रखा गया है, इस तरीके से काफ़ी लोग रिजेक्ट हुए हैं। एक्स सर्विसमैन को भी प्रोविजनल रखा है, तो गाइज ये देखो जरा और अपना नाम चेक करो एलिजिबल कैंडिडेट में है या प्रोविजनल है या रिजेक्टेड है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करो, जो भी हेल्प होगी आपको डेफिनेटली मैं करूँगा। यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट थे यार, देखो जरा 280 कैंडिडेट्स थे इन्होंने, मतलब इनका रिजल्ट जो है स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे थे। ठीक है, तो गाइज और कोई अपडेट आएगी किसी रीजन की तो मैं तुरंत आपको अवेलेबल करा दूंगा। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, ये सारे PDF मैं आपको वहीं पे अवेलेबल करा दूंगा, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।